2014 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा और नतीजा दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद तकलीफ दे रहा। उसी से सीख लेते हुए 2019 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने एक साथ आने का फैसला किया है। एनसीपी और कांग्रेस के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सहमति बन चुकी है। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 240 सीटों पर कांग्रेस एनसीपी ने फिलहाल मिलकर चुनाव लड़ने के खाके को अंतिम रूप दिया है। बाकी बची 48 सीटों के लिए साथ आई दोनों पार्टियां कुछ और राजनीतिक दलों के संपर्क में हैं। R9 टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक 8 से 10 दिनों में बाकी सभी सीटों पर फैसला हो जाएगा। 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन सकी थी, जिस वजह से दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। अब सवाल इस बात का है कि बाकी बची 48 सीटों पर दोनों पार्टियों का फैसला क्या होगा। आखिर कौन है वो तीसरी पार्टी जो उनके साथ में आएगी, या फिर आखिर में दोनों ही पार्टियां आपस में बची हुई 48 सीटों का बंटवारा कर लेंगी। कैमरा पर्सन राघव के साथ जब्बार खान, R9 टीवी।